बाद अगर इन दिनों किसी और की चर्चा है तो वो है द कश्मीर फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री की बनाई फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने हर किसी की रूह कपा दी है। जिस किसी ने भी 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई इस बर्बरता को देखा है वो उस मंजर को महसूस कर पा रहा है और सिहर उठा है। सिनेमा घरों से लोग द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद रोते हुए बाहर आ रहे हैं। शायद कश्मीरी पंडितों के साथ हुई ज्यादती को विवेक अग्निहोत्री ने हूबहू पर्दे पर उतार दिया है। तभी तो कश्मीरी पंडितों के घाव तो हरे हुए ही हैं। साथ ही एक उम्मीद भी जगी है कि जिस कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते थे वो नरसंहार विवेक अग्निहोत्री ने पर्दे पर उतारा तो इसकी चर्चा होने लगी है। चर्चा हो रही है तो क्या पता अब इंसाफ भी मिल जाए। नरसंहार के वक्त कश्मीर में हर एक पंडित परिवार के जुल्म सहने की एक अलग कहानी है। हर कश्मीरी पंडित ने एक अलग क्रूरता को सहन किया है। अब जैसे फिल्म में दर्शकों को बालकृष्ण बीके गंजू की कहानी दिखाई गई है। बीके गंजू वही जिसकी हत्या की कहानी को देख सिनेमा घरों में मौजूद लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। फिल्म में अनुपम खेर ने गंजू के पिता का किरदार निभाया है। बीके गंजू की कहानी पहले भी कई बार दोहराई गई है जो कुछ ऐसी है। श्रीनगर में एक जगह है छोटा बाजार। बीके गंजू वहीं के रहने वाले थे। वो केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के इंजीनियर थे। बात 22 मार्च 1990 की है। कर्फ्यू में ढील दी गई थी। बीके गंजू घर वापस लौट रहे थे। वो आतंकियों की नजरों में आ गए थे। ये आतंकी गंजू का पीछा करते हैं। जब गंजू को इस बात का एहसास हो जाता है तो घर में घुसते ही बीके गंजू घर का ताला लगा देते हैं। लेकिन आतंकियों के लिए ताला क्या चीज है, ताला तोड़कर आतंकी घर में घुस जाते हैं। इस बीच बीके गंजू घर की तीसरी मंजिल में एक चावल के ड्रम के अंदर छिप जाते हैं। आतंकी गंजू को घर के अंदर ढूंढते हैं। जब वो नहीं मिलते तो लौटने लगते हैं। तभी बीके गंजू का पड़ोसी बता देता है कि चावल के ड्रम के अंदर छिपे हुए हैं। इसके बाद आतंकी ड्रम के अंदर ही बीके गंजू की हत्या कर देते हैं। कंटेनर के अंदर ही बीके गंजू को गोली मार दी जाती है। इसके बाद वो गंजू के खून से सने चावल उनकी पत्नी को खिलाते हैं। इस कहानी को जिस किसी ने भी द कश्मीर फाइल्स के जरिए पर्दे पर देखा मन में उसके यही था कि कैसे कोई इतना निर्दयी हो सकता है, कैसे बेकसूर लोगों को इतनी बड़ी सजा दी गई, क्यों बेरहम मौत देने वालों के हाथ नहीं कांपे और उसके बाद इस नरसंहार को क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। द कश्मीर फाइल्स देखने वाले आश्चर्यचकित इसलिए भी हैं कि इस समाज के ही होने के बाद भी कई लोगों को कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बारे में जानकारी ही नहीं थी क्योंकि वो नरसंहार हिंदुओं का था। कई सरकारें आईं और गईं। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा सिर्फ दबी जुबान से ही उठा। विवेक अग्निहोत्री ने तो मानो अपनी फिल्म के जरिए सबकी आंखें खोल दी हैं। 2019 में जानी मानी स्तंभकार सुनंदा वशिष्ठ ने जम्मू कश्मीर पर अमेरिकी संसद में जमकर अपनी आवाज बुलंद की थी। उन्होंने बीके गंजू की घटना का भी जिक्र किया था। तब सुनंदा वशिष्ठ ने कहा था, बीके गंजू जैसे लोगों को पड़ोसियों पर भरोसा करने के बदले में सिर्फ धोखा मिला। Her faith. I am her voice today. I am also the voice of young Kashmiri Hindu engineer who was hunted by terrorists again for his faith. When terrorists came to kill him, he hid inside a rice container in his attic, and he would have been alive today had his location not been disclosed to the terrorists by his own neighbors. His neighbors he trusted, neighbors that we trusted. The terrorists shot him through the container and forced his wife to eat the blood-soaked rice. His name was B.K. Ganju. His crime, his faith. I speak for him today. I could go on and on. We have seen ISIS level of horror and brutality in Kashmir. 30 years. Swaraj ke salahkar, sampadak aur stambakar Anand Raghunathan ne सुनंदा वशिष्ठ के इस वीडियो को साझा किया है। उन्होंने लिखा है, बीके गंजू के लिए आतंकी आए, वो चावल के बैरल के अंदर छिप गया। उसके मुस्लिम पड़ोसी ने इसकी जानकारी दी। गंजू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खून से सने चावल उसकी पत्नी को खिलाए गए। यहाँ सुनंदा वशिष्ठ ने उस रूह कपा देने वाली घटना का जिक्र किया। यह है कश्मीरी पंडितों के साथ हुई जुल्म की दास्तां, यह है असलियत। शायद अगर विवेक अग्निहोत्री ये फिल्म ना बनाते तो आप या हम इस असलियत से कभी रूबरू नहीं हो पाते। आप ऐसे कातिलों के लिए, ऐसे हैवानों को क्या सजा देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं बीके गंजू के साथ जो हुआ, जिसने किया, उसके साथ अब अगला कदम क्या होना चाहिए? कैसे उससे उसके किए का बदला लिया जाना चाहिए? द कश्मीर फाइल्स को लेकर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।